आज तक की बिग बॉस की हिस्ट्री में आपसे जैसा एंटरटेनिंग स्टार कोई नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था मैं एंटरटेनिंग बन जाऊंगी, मैं बहुत लेजी हूँ, मुझसे बार बार मेकअप नहीं होता और ये वो, मेरे को अच्छा दिखना है, दैट्स इट। वो बंदा इरिटेट होके मुझे छोड़ जाएगा फिर देखेंगे, बट मैं टॉर्चर हो जाऊंगी, मैं कुछ भी हो जाऊंगी मैं, बट खुद शुरुआत नहीं करूंगी, खुद को चेंज करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि मैं खुद के अलावा भी कुछ देखूं। बहुत से सवाल आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितने मैं कोशिश करी है कि हम सेलेक्ट करने की, एंड लेट्स सी व्हाट योर फैंस हैव टू से। ये आरोही है प्राग से, चेक रिपब्लिक से। BB14 इज स्टार्टेड एंड द फैंस आर स्टिल मिसिंग यू, हाउ डू यू फील? I want to tell you that no one is, the BB history was as entertaining as you were. Will you start making the YouTube vlogs for your fans? काफी सारे सवाल हैं। उनके हिसाब से आज तक की बिग बॉस की हिस्ट्री में आपसे जैसा एंटरटेनिंग स्टार कोई नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था मैं एंटरटेनिंग बन जाऊंगी, सो मैं खुद फील कर, जब मैंने बाहर आके देखा, मैंने बिग बॉस के एपिसोड्स देखे, मैं खुद सी आ रही थी कि मैं सच्ची ये क्या कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मतलब जो रियल में बंदा होता है वो सच में जब रियलिटी देखता है अपनी, तो यार कितना मजा आता है ना उसको देखने में, तो मैं खुद बहुत एंटरटेन हुई थी खुद को देख के, और मुझे खुद को, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई थी और मैं बहुत क्यूट लग रही थी, आई लव माई सेल्फ। सो ये अच्छी बात है, और इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, सो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहे हो आप, व्लॉग यूट्यूब व्लॉग? व्लॉग पता नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे से बनते नहीं है, मैं कोशिश करूंगी बट मैं बहुत लेजी हूँ, मुझसे बार बार मेकअप नहीं होता और ये वो, मेरे को अच्छा दिखना है, दैट्स इट, तो मैं इसलिए मेहनत कम करती हूँ। ऋतु है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, आस्क सना इफ शी हैज टू फेस सेम सिचुएशन इन हर रियल लाइफ, Will she take same steps what she did in the song? तो वादा है गाने में जो जिस तरीके से स्टोरी लाइन होती है, अगर आपको रियल लाइफ में अगर आपने वो सिचुएशन फेस करी तो आप कैसे उसको डील करेंगे? मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं वो बंदा इरिटेट होके मुझे छोड़ जाएगा फिर देखेंगे, बट मैं टॉर्चर हो जाऊंगी, मैं कुछ भी हो जाऊंगी, बट खुद शुरुआत नहीं करूंगी, इतना इजी नहीं है, मेरे में पेशेंस बहुत है। प्रीत है वैंकूवर कनाडा से, हाय फरीदून, प्लीज आस्क हर, शहनाज इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हैं एंड ऑलवेज स्माइल होती है, इवन कभी हर्ट भी हो कभी भी स्माइल होती है, कनाडा एंड यूएसए फैंस उनका वेट कर रहे हैं एंड वो कब आएंगी, तो आप पॉजिटिव कैसे रह पाती हैं और यूएस कनाडा के आपके फैंस आपका वेट कर रहे हैं? मैं पॉजिटिव इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि जो लोग, हर तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो बोलते हैं पॉजिटिव है क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, वो दूसरों बंदों को भी पॉजिटिव समझते हैं, ठीक है, तो बाकी मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ, मेरे बारे में 100 लोग कुछ भी बोल जाते हैं, 100 लोग कुछ भी, मतलब मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो नेगेटिव बोलते हैं मे बी उनको शायद मेरे से कोई विचारों को फायदा हो रहा है, मेरे बारे में नेगेटिव बोल के, तो उनका शायद उसमें कुछ बन रहा होगा, तो मैं इसलिए छोड़ती हूँ कि चल कोई बात नहीं यार, इसका अच्छा हो रहा होगा शायद मेरे बारे में गलत बोल, तो मैं इसलिए कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं पॉजिटिव रहती हूँ। ये वाराणसी से हैं सुधा सिंह, कैन वी सी शहनाज गिल इन वेब सीरीज, आप वेब सीरीज करना चाहेंगी? सब कुछ, मतलब अच्छा काम मैं करना चाहूंगी, क्यों नहीं करना चाहूंगी, हर अच्छा काम करना चाहूंगी, बट आए तो ना, मतलब अच्छा आए, अच्छी स्क्रिप्ट आए तो ऑब्वियसली करूंगी। शू फ्रॉम मुंबई, शहनाज गिल, व्हाट इज नेक्स्ट इन बास्केट फॉर योर फैंस, कैन वी एक्सपेक्ट अ मूवी, प्लीज से यस 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 यस, द मूवी कैन हैपन, शी हैज सेड दैट इन द पास्ट एज वेल। तृप्ति मिश्रा फ्रॉम बैंगलोर, व्हाट हैपेंड व्हेन शहनाज एंड अर्जुन मेट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक व्हाट वर देयर इंटरेक्शन, हाउ इज देयर ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एटसेट्रा? पहली बार जब आप अर्जुन से मिली थी तो आपका क्या इंटरेक्शन हुआ था
कुछ नहीं, प्रोफेशनली वीडियो शूट के रिलेटेड क्या क्या सीन होने हैं, क्या क्या कैसे करेंगे, एंड गिटार सेशन हुआ था, एंड वो गिटार सेशन इतना मुझे वो लग गया, अच्छा लगा, तो हम कंटिन्यूसली मैं वो गाते जा रहे थे और मैं सुन रही थी. मुझे अच्छा लगता है जो कोई गाता है, कोई गिटार बजाता है, मुझे जो लाइक सिंगिंग एंड ऑल मुझे इंटरेस्ट है ना, तो मुझे इसलिए अच्छा उनके साथ बॉन्ड बन गया, वहां पे टाइम पास अच्छा हुआ. अनुष्का फ्रॉम यूएसए, कैन यू आस्क हर हाउ शी लॉस्ट वेट एंड हाउ शी हैज ग्लोन अप सो मच बिकॉज शी लुक सो प्रिटी इन द मूवी दैट इज आई थिंक द म्यूजिक वीडियो एंड टेल अर्जुन दैट इज वॉइस एंड द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल. सो आपके वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं, कह रही आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. तो वेट लॉस मैंने मेहनत की, एक साल में ही मेरा वेट लॉस, जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने मतलब कम कम खाती गई, जितना पोर्शन ज्यादा खाती थी उससे बिल्कुल कम कम करके खाती गई लिमिट में, तो मेरा वेट लॉस नेचुरली मतलब कम होता गया. तो मैंने मेहनत की है, मुंह पे कंट्रोल किया है, ऐसे ऐसे किया है जब कुछ आता था मेरे पास, तो फिर ऐसे नहीं किया, ऐसे ऐसे किया है, तो यही एक्सरसाइज है वेट लॉस की. ओके, दिस इज रिचा फ्रॉम पटियाला. इज शहनाज अ सीरियस पर्सन व्हाइल वर्किंग और शी इज द सेम बबली फनी एंटरटेनिंग सेल्फ? Do you also find a personality captivating and lovely like we fans do? मैं जब काम करती हूँ तो बहुत प्रोफेशनल हूँ, मतलब मेरे लाइक मुझे कुछ डिस्टर्ब भी होता है ना तो मुझे इरिटेशन होने लगती है कि मतलब काम में नहीं, मतलब मुझे काम में फनी चीजें नहीं चाहिए. बट हाँ, काम के बाद जब शॉर्ट भी खत्म हो गया तो कैसे फिर जो मर्जी करो, बट प्रोफेशनली मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ. एंड जब मैं मतलब ऑफ कैमरा, वैसे मतलब जब शॉट नहीं है, काम नहीं है, तो फिर मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ, मजे करती हूँ. ऑलराइट, जो बात बिग बॉस में आप गई थी अभी इस बार सीजन में, और जो इजाज और पवित्र पुनिया से आपने कहा कि आप लोग एक डेट पे आपको मैं भेजने वाली हूँ, आपने उस एपिसोड को कैसे आप देखती हैं? बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों ने उसके उसको पसंद किया और चर्चे रहे. एक्चुअली ना मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जब मैं गई थी ना वहां बहुत माहौल बिगड़ चुका था, इतनी लड़ाई हो रही थी, मीन्स मतलब तुम बोल ही नहीं सकते कि तुम एकदम से अंदर घुसोगे और तुम्हारे साथ लोग इतने ज्यादा खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, माहौल बहुत गंदा था एंड बहुत लड़ाई हो चुकी थी. सो मतलब मैं पंप करने की कोशिश कर रही थी, बट मतलब रिस्पॉन्स एक होता है जब तुम बात करते हो ना तो दूसरा बंदा तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो तब अच्छा होता है. बट वहां लोगों का लो इतने थे, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन था, तो मींस मैंने जितना करना था मैंने किया, उसके अलावा आई डोंट नो क्या चल रहा है वहां पे, अच्छा ही हो भगवान करे. दिस इज किरण फ्रॉम सिएटल यूएसए. वन मेमोरी फ्रॉम बिहाइंड द सीन ऑफ म्यूजिक वीडियो दैट यू थिंक यू विल रिमेंबर फॉरएवर एंड इज देयर एनी चांसेस टू सी देम अगेन टुगेदर? कोई ऐसी याद आपकी जो म्यूजिक वीडियो शूट करने के टाइम पे जो हमेशा आपको याद रहे? हाँ, बोट पे जब जा रहे थे तो मेरा डायलॉग था कि मतलब तुम मुझे छोड़ के, मतलब तुम्हारा क्या है कि मतलब तूने रहना मेरे साथ क्या था, जो भी मैंने बोला था वहां पे डायलॉग मुझे याद नहीं है. तो मैंने बोट पे जाते जाते जब हम दोनों रह गए थे, मैंने बोला मुझे डायलॉग कुछ और बोलना था कि मतलब तुम कुछ कहना चाहते हो, या फिर मैंने बोला कैन आई ट्रस्ट यू, वो हंसने लग पड़ा जोर जोर से फॉरवर्ड, मतलब ट्रस्ट के. मैंने कहा मैं मतलब बोट के मतलब अगर मैं गिर जाती हूँ तो तुम मुझे बचा लेगा ना, तो मींस मेरे मुंह से निकला कैन आई ट्रस्ट यू. ये तोमा है, TOMAH नाम है इनका. What would you change about yourself if you could? कोई आप अपने बारे में अगर कोई चीज बदलना चाहें तो वो क्या होगी? खुद को ज्यादा देखना, खुद को ज्यादा ध्यान देना, मतलब खुद पे ज्यादा फोकस, मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजों से भी सीखना है, कुछ देखूं कुछ, मतलब मैं दूसरी चीजों को जब किसी की मतलब मान लो सोशल मीडिया में कुछ भी आता है ना तो मैं बोर हो जाती हूँ, किसी को नहीं देख सकती, खुद को ही देख सकती हूँ सिर्फ. तो मैं ये खुद को चेंज करना चाहती हूँ थोड़ा सा कि मैं खुद के अलावा भी कुछ देखूं. ये सुकन्या है मुंबई से. याहू शहनाज का इंटरव्यू सुपर्ब, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, शहनाज का खुद का सॉन्ग कभी आएगा? आई वांना हियर शहनाज की वॉइस. तो हम लोग इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपके फैंस भी आपकी आवाज में गाने सुनना चाहते हैं. थोड़े दिन में कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करके सुनाती हूँ.
दिस इज गौरव फ्रॉम टेक्सस. कैन वी एक्सपेक्ट सना एंड आसिम इन अ सॉन्ग? आसिम के साथ कोई म्यूजिक वीडियो हम देख सकते हैं आपको? नो आइडिया. नो आइडिया. ओके, गेट आइडिया. ये कशिश है दिल्ली से. What was the first impression when they saw each other? Arjun, क्या first impression क्या था? यार एक question तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मतलब मैं शादी करनी होती है उसके साथ. मतलब ये सवाल आपके फैन. हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ कि मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन क्या. शूट पे गए, शूट किया, चलो अपने अपने घर, बाय, टेक केयर, बस खत्म, इतना ही तो होता है. नूर खान कह रहे हैं कि मैं तो सना के लुक्स देखकर स्पीचलेस हो गई. कहाँ देखी लुक, मेरी लुक्स? वादा है में जो लुक आपका है वो उनको बहुत पसंद है. जी, थैंक यू सो मच. ये संजना है और कह रही है कि वादा है स्टोली अ मास्टरपीस, योर केमिस्ट्री वाज सिंपली अमेजिंग, वुड यू बोथ लव टू कोलैबोरेट अगेन. तो आप इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हैं. होबो आवर्स का सवाल है, व्हाट वाज योर फेवरेट सीन? सना आई लव यू सो मच. वादा है में कोई आपका फेवरेट कोई मोमेंट है आपका? हाँ, जब वो गाड़ी में मैं जा रही होती हूँ अपने मतलब छोड़ के चली जाती हूँ और वो आता है और मैं निकलती हूँ. पहले मैं सोचती हूँ इसको गाड़ी से ही मार दूं, बट मैं सोचती हूँ चल कोई ना, मौका देती हूँ तेरे को, चल फिर आ गया ये वो, चलो होगी मोहब्बत, एंड वाला सीन. ओके, दिस इज नम्रता वेतुरकर, उनका सवाल है कैन वी गेट अनदर कवर सॉन्ग लाइक दिल दिया गल्ला? यस, वादा है करती हूँ थोड़ी, मतलब मैंने सोचा वादा है का करूं. ऑल राइट, दैट आई थिंक दैट शुड बी वंडरफुल. This is Neha. Oh my God, is this for real? Please tell Shehnaz I love her so 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 much. Please. ये नेहा आपकी. बस ये उनको बोलो I love you too. सिया अग्रवाल from Mumbai. How long did this song take to get shot? कितना कितने दिन में आपने इसको शूट किया होगा? दो. रीत का सवाल है चंडीगढ़ से, कहना सना से पूछना प्लीज वो कनाडा कब जा रही है? कनाडा देखती हूँ, अभी कोई प्लान नहीं है. पंजाबी जब आई तो मिलेगी. पंजाबी बहुत है ना. कनाडा सारा है ही पंजाब. This is Tams. When Shehnaz is planning to come to Chandigarh? अभी तो होके गई हूँ, अभी थोड़ा पता, मैं पंजाब से आई, मेरे को कोल्ड कफ हो गया, मेरे को लगा मेरे को कोरोना हो गया, बट मेरे को बाद में समझ आया मेरे को ठंड लगी थी. नेहा का सवाल है, माई क्वेश्चन टू शहनाज, व्हाट वॉज द लास्ट स्वीट मील शी हैड? मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं खाती सब कुछ हूँ, बट मैं ऐसे नहीं, मैं मतलब हफ्ते बाद खाती हूँ. ओके, कुछ भी खाती हूँ. पिया मल्होत्रा का सवाल है, हाउ इज गिटार क्लासेस गोइंग ऑन? गिटार मेरी कोई क्लास नहीं, मैंने ऐसे गिटार डाला था, लोगों को लगा मैं गिटार क्लासेस ले रही हूँ. मैं इतना मतलब इतनी मेहनत नहीं करना चाहती लाइफ में. आंचल का सवाल है, आस्क सना हाउ शी लुक्स क्यूट एंड हॉट एट द सेम टाइम इन द म्यूजिक वीडियो, एनी सीक्रेट? Because she is cute and hot as well. Okay, this is Shreya Monga. I just want to ask Shehnaz, how does it feel to be the most gorgeous human on earth? Please, she is everything. जब तुम्हारे पास लाइफ में पेशेंस आ जाते हैं, जब लाइफ में तुमने एक्सपीरियंस कर लिया होता है बहुत, मतलब तुम डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे, तो तुम्हें एक्सपीरियंस कर करके पेशेंस आते, पेशेंस जब आने लगते हैं तो तुम किसी भी चीज को सह सकते हो और तुम अच्छे इंसान बन जाते हो. दैट्स इट. शाहरुख फ्रॉम दिल्ली, शहनाज व्हाट वाज योर फेवरेट आउटफिट इन द म्यूजिक वीडियो? पर्सनली आई लव्ड ऑल ऑफ देम एंड यू लुक लाइक एन एंजल. कोई पर्टिकुलर आउटफिट आपको जो म्यूजिक वीडियो में पसंद आया? हाँ, जब मैं ब्लैंकेट सा नहीं उठा के अपने वो वहां पे रखती हूँ अलमीरा के ऊपर, वो मैंने वो लिया हुआ स्टॉल सा एंड ऐसे करके कुछ स्कर्ट टाइप सा, वो अच्छा लगा मुझे okay, खुद नहीं पता. तोमा का सवाल है, व्हाट मोटिवेट्स हर टू वर्क हार्ड? आप जो मेहनत करती हैं इतना, उसका आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? खुद से मुझे होता है. अब मतलब क्या क्या मैंने कर लिया और क्या क्या अब मैंने नहीं करना, जो मैंने कर लिया अब मुझे वो चीजें नहीं करनी, और मैं इम्प्रूवमेंट, मतलब जब तुम इम्प्रूव करते हो ना लाइफ में, अगर तुम सेम रिपीट करते हो चीजें तो वो तुम्हें कभी भी तुम्हें लोग वो नहीं करेंगे, बट अगर तुम इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो, तुम चेंजेस दिखाते हो, तुम ट्रेंड सेटर बनते हो, अलग अलग चीजें करते हो, तो लोग तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट करते हैं हर चीज में, तो वो चीजें मुझे मोटिवेट करती.
दिस इज ड्रीम गर्ल, इनका नाम है, दिस इज प्रिया फ्रॉम बैंगलोर. हाउ डज इट फील टू कम फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? डज शी फील वेलकम? वेलकम. पंजाबी इंडस्ट्री से आप जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप आई हैं, तो क्या आप वेलकम फील करती हैं? डू दे ट्रीट यू नाइसली? आपको बहुत, मतलब मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्यों नहीं वेलकम फील करूंगी. मैं तो बहुत एक्ट्रेस से भी ऊपर हॉलीवुड वाली एक्ट्रेस फील करती हूँ, चाहे मुझे इंग्लिश नहीं आती. ओके, दिस इज अनन्या फ्रॉम बैंगलोर. हाउ इज शहनाज कौर गिल द एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड इनोसेंस व्हाइल बीइंग द एब्सोल्यूट वाइल्ड कैट विद हर क्यूट एंटीक्स? आप इतनी, मतलब एक बेसिकली कॉम्बिनेशन है ग्रेस का और इनोसेंस का, और उसके अलावा मतलब क्यूटनेस भी है और वाइल्ड कैट भी, आपको काफी एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए. कॉम्प्लीमेंट है ये तो, मतलब जो आंसर देना है इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट ही. थैंक यू सो मच. बहुत से लोग आपको कवर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दे वुड वांट टू हियर मोर ऑफ योर कवर्स. करूंगी करूंगी, कवर्स तो मैं करने वाली हूँ.